कुछ इसी तरीके से ये जो एक ड्रिल चल रहा है, देखिए कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो कैसे ड्रिल करेगी, कैसे लोगों को अपने मेहमानों को लेकर जाएगी। आपको हर गाड़ी में देखिए G20 का लोगो, पूरा कॉन्वॉय जो है, कारकेट जो है वो गुजर रहा है। आपको इसमें दिखाई देगा कि किस तरीके से किन इलाकों से इन्हें गुजारते हुए जो है वो लेकर जाया जा रहा है, और तमाम जो ट्रैफिक है इसी तरीके से रोका जाएगा, और एक एक करके जो है ये जो कारकेट जब निकलेगा तो ऐसे ही ट्रैफिक ब्लॉक होगा, और उसके बाद जो है पूरा कारकेट निकाला जाएगा, और उसके बाद जो है ट्रैफिक मूवमेंट फिर से शुरू कर दिया जाएगा उन इलाकों में जहां थोड़ी बहुत ट्रैफिक मूवमेंट होनी है। चूँकि अभी ये सिक्योरिटी ड्रिल है, इसके अलावा जब 9 और 10 सितंबर को इस तरह की चीज़ें होंगी तो पूरा इलाका सैनिटाइज रहेगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज अलाउड है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से इस वक्त दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल हैं। इस तैनाती में जो है आपको हर जगह दिल्ली पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ खड़े दिखाई देंगे। इसी तरीके से G20 की बैठक के दौरान जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा बल दिखाई पड़ेंगे। उनकी तैनाती कुछ इस तरीके से की गई है कि हर जगह के मूवमेंट पर नज़र रखा जा सके। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इस इलाके में अभी भी, ताकि जो ड्रिल्स हो रहे हैं लगातार, सिक्योरिटी ड्रिल्स हो रहे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, हर बैरिकेड के पास जवान तैनात है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का जवान है, और हर चौराहे पर, हर मोड़ पर आपको इसी तरीके से जो है सुरक्षा बल, ट्रैफिक पुलिस के जवान वो आपको दिखाई देंगे इस पूरे इलाके में। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके को एक बंद किले में तब्दील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, और लगातार जो है वो एक तरीके से ड्रिल्स जो हो रहे हैं और जो कॉन्वॉय को पास कराया जा रहा है, वो जो डेमोंस्ट्रेशन हो रहा है उस दौरान जो है किस तरीके से व्यवस्था रखनी होगी, जब देश और दुनिया के तमाम बड़े नेता इन सड़कों से गुजरते हुए पहुंचेंगे प्रगति मैदान, इंडिया कन्वेंशन सेंटर पे अपनी बात रखने के लिए। इसी तरीके से देखिए किस तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा बलों का, और लगातार जो है वो मूवमेंट्स जो है उसको पैनी नज़रों पर रखते हुए मूवमेंट कराया जा रहा है। ट्रैफिक का मूवमेंट अगर अभी हो भी रहा है डेमोंस्ट्रेशन पर, तो वो लगातार जो है वो एक तरीके से जो है वहाँ आपको दिखाई देगा कि हैवी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा बलों की। लगातार वो निगरानी रख रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं कि अगर उन्हें तत्काल प्रभाव से रोकना पड़े किसी मूवमेंट को, किसी ट्रैफिक को, और जो डाइवर्जन है वो लगातार एक तरीके से किया जा रहा है। तो वहाँ आपको सुरक्षा बल जो है वो लगातार चाक चौबंद देखिए हर जगह पर जो है वो मौजूद खड़े दिखाई देंगे, और एक तरीके से हर आला पुलिस अधिकारी और तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सीमा सुरक्षा बल हो गए, SSB के जवान हो गए, वो लगातार जो है आपको इसी तरीके से डिप्लॉय देंगे। एक तरीके से ये एक ड्रिल है कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो पुख्ता पकड़ बनाए हुए हैं इस तरीके के सेंसिटिव इलाके पे, ताकि G20 के दौरान भी इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था हो और कोई भी कभी ना रह पाए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋषिराज, भारत तक।